गाइस क्या हाल चाल है, सभी लोगों का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। अब बहुत सारी खुशखबरी आ चुकी हैं, तो हमने सोचा यार कि मतलब अब जैसे बीजेएमआई वापस आने वाला, आज 27th है एंड 29 को बीजेएमआई वापस से आ जाएगा, तो यार हमने सोचा कि अब बहुत सारी ढेर सारी स्ट्रीम्स होने वाली हैं, तो क्यों ना व्लॉगिंग में भी थोड़ा कमबैक करा जाए। सो आज हम आ चुके हैं आपके साथ, आज हम करने वाले हैं हमारा गोप्रो का सेटअप हेलमेट में, जो कि करना होता है उसमें काफी सारे प्रोडक्ट लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें मंगाई हैं, ये और इसके अंदर भी चार पांच प्रोडक्ट हैं, तो ये पूरा अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं हम लोग एंड अपने हेलमेट पे गोप्रो को माउंट भी करने वाले हैं, सो दैट कि हम लोग कल से हमारी मोटो व्लॉगिंग चालू कर सके, ठीक है। एंड जिनको जिनको भी कहीं सीखना है, कुछ इन्फॉर्मेटिव जानना रहेगा अबाउट दिस गोप्रो सेटअप, तो वो लोग तो ये व्लॉग बिल्कुल देखना, एक छोटा सा ट्यूटोरियल टाइप का रहेगा, मतलब मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे भी उतना नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी मेरे को पता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से। तो गाइस सबसे फर्स्ट जो मैंने सेटअप करा है वो ये वाला करा है, जो ये टाइट करने वाला जो होता है ना। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ऊपर से दो ये वायर ये गए ना, और नीचे से उनको मैंने इधर से यहाँ से देखो यहाँ से मैंने उनको कस के कस दिया है, ठीक है, टाइट कर दिया प्रॉपरली, और ये मेरे को काफ़ी टाइट तो लग रहा है, तो हिल भी नहीं रहा है इतना कस के टाइट कर रहा है, बस वही इनका जो ये मटेरियल है ये क्लॉथ का जो भी है ये फैब्रिक, ये बस थोड़ा स्ट्रांग हुआ, ऐसा ना हो कि भाई यार टूट ही जाए, मतलब वैसे गोप्रो इतना भारी होता नहीं है, सो आई गेस ये सही लग रहा है ये वाला, बिकॉज ये क्या है ना मेरे हेलमेट से ना थोड़ा मैच भी हो रहा है, रेड कलर का ये है और रेड कलर का थोड़ा हेलमेट भी है, और एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, इसमें हवा भी पास होगी, ये देखो यहाँ से हवा भी, मेरे को लग रहा था ना कि एयर पास नहीं होगी, बट एयर पास हो रही है, तो अच्छी चीज़ भी लगी मेरे को। एक ये फर्स्ट वाला सेटअप हो गया, अभी ये सेकंड वाला जो ब्लू वाला है ये डिट्टो सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है इसमें, तो इसको हम लोग नहीं लगाते हैं, ये दोनों सेम चीज़ ही है। अभी एक ये वाला बच रहा है, क्या लगता है ये वाला और स्ट्रांग होगा, ये क्या है, ये ऐसे चिपक जाएगा, मतलब यहाँ नीचे चिपक जाएगा, ऐसे यहाँ पे वो चिपक जाएगा, ये इसके साथ मिले हुए हैं बोथ साइड स्टिक वाले, और इसके साथ प्रोटेक्शन वगैरह भी मिली हुई है, तो क्या लग रहा है ये वाला बेटर लग रहा है। इसमें क्या है, इसमें गोप्रो थोड़ा ना नीचे रहने ऊपर कर सकते हैं ना, हाँ ये ऊपर, चलो ठीक है, मतलब दोनों ठीक ही लग रहे हैं, क्या किया जाएगा इस, देखो भाई चिपक से ज़्यादा भरोसा मुझे अपने टाइट करने के ऊपर है, जो मैंने टाइट करा है वो मैंने बहुत अच्छे से टाइट करा है, तो मेरे को इस पर ज़्यादा भरोसा है, तो अपन एक काम करते हैं ना, इस पर ना अपन ये प्रोटेक्ट, इसकी वाली जो प्रोटेक्शन है ना वो इस पर लगा देंगे, ये एक तरीके से अगर मान लो इमरजेंसी में कभी गोप्रो छूट जाता है इससे, तो ये इसको अपन चिपका सकते हैं और गोप्रो से टाइट कर सकते हैं, तो गोप्रो गिरेगा नहीं, तो अपन ये कर सकते हैं, मेरे को ये वाला बेस्ट लग रहा है, बताओ तुम लोग कैसे कमेंट में, तुमको ये सही लग रहा है ये वाला करा जाए अपन, या फिर ये वाला ही रहने दें। तो ये देखो गाइस, ये जो मैंने बॉक्स मंगाया था, देखो भाई डिफरेंस कितना है, साइज़ डिफरेंस देखो, इसमें सिर्फ एक गोप्रो आ पाता है और दो चार केबल आ पाते हैं, ठीक है, अभी इसमें गोप्रो तो रखूंगा ही रखूंगा, साथ में एक्स्ट्रा केस, एक्स्ट्रा बैटरीज, मतलब इतनी जगह, ऊपर से यहाँ पे ना और स्लॉट्स हैं, तुम यहाँ पे और भी देखो और भी तो कुछ रखना हो ना, तो ये वाले भी तुम इसमें लगे, जैसे कि ये है ना, तो ये हर ऐसा लगा हुआ था ऐसा काम नहीं, तो तुम इसको ऐसे भी रख सकते हो, मतलब क्या तुमको ज़्यादा काम है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो तुम इसको निकाल सकते हो, सो ये बहुत सही चीज़ लगी मेरे को, बैग ऊपर का ऊपर भी काफ़ी कुछ रख सकते हैं, तो यार ये पूरा ओवरऑल ऐसा हो जाएगा मस्त। सो गाइस ये रहा हमारा गोप्रो, ठीक है, अभी इसमें हम लोगों को मेमोरी कार्ड वगैरह सेटअप करना है, अभी मैंने कुछ करा नहीं है, ठीक है, जब से आया है बस ऐसे रखा था, सो ये रहा मेमोरी कार्ड, इसको इसमें सेटअप करते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली सारा सेटअप हो चुका है, ये देखो ये वाले में हमने अपना गोप्रो माउंट कर दिया है, इसको मैंने एक जुगाड़ से करा है एक्चुअली, इसमें दो एक्सटेंशन लगे हैं, ये देखो पहले एक एक्सटेंशन लगाया उसके बाद गोप्रो लगा, क्योंकि क्या है ना ये पूरा पीछे नहीं जा रहा था, तो इतने सारे एक्सटेंशन मैंने मंगा लिए थे इसलिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये रहा अपना पूरा गोप्रो माउंट हो चुका है इस पर, अभी तुम लोग को इसको ऑन करके दिखाते हैं, वेट इसको ऑन करने के लिए बस इधर से ये बात, अभी तुम लोग अंदर से देखो, अंदर से नहीं दिखेगा, ये देखो दिख रहा है क्या, मैंने इसका एंगल परफेक्ट सेट कर दिया, अब कल बाइक पे बैठूंगा जब, अभी तो रात हो रही है, कल सुबह बाइक पे बैठूंगा जब ना, तब देखूंगा कि हाँ भाई परफेक्ट एंगल पे है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो कोई नया एंगल, यहाँ से ये नॉब को ढीला करूँगा मैं
और यहाँ से मैं एंगल सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा कूड़ा है, ये सब साफ ऑफ करके आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो सब गाइस क्लीन कर दिया है और अपना हेलमेट भी अच्छे से रेडी हो चुका है, अब कल से चालू होगी मोटो व्लॉगिंग। ठीक है, एंड यार ये को ये बॉक्स बहुत पसंद आया भाई, बहुत पसंद आया ये बॉक्स, सब कुछ आ गया भाई बॉक्स में। ये बॉक्स को मैं लाइक साथ में लेके तो नहीं घूमूंगा, लेकिन हाँ मान लो कभी ट्रिप पे गए तो ये इजी टू कैरी है, तो कुछ को आराम से बैग में रख सकते हैं। सो या इसमें पूरा अपना गोप्रो का जितना भी सेटअप है विद एसेसरीज सब आ जाएगा। चलो अभी इसको रैप अप करते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे सीधा गाइस अपने फर्स्ट मोटो व्लॉग, मतलब एक छोटी सी एक टेस्टिंग करेंगे हम लोग कि गोप्रो कैसे माउंट हुआ है कल मॉर्निंग में। ठीक है, चलो सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। सो गाइस गुड मॉर्निंग यार सभी लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ। ठीक है, एंड हम लोग अभी निकलने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि कल हम लोग ये चेक करेंगे, हमारा फर्स्ट पहली बार राइड करेंगे गोप्रो लगाकर। सो या अभी एक बार ये चेक करना हमको। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी हाईवे पे। ठीक है, अपने गोप्रो के एंगल वगैरह को चेक करने की, सर एंगल कैसा आ रहा है ये देखो, इधर अपने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, अभी मैं देखूंगा कि जब मैं जो एंगल सेट है उसमें रोड भी थोड़ी दिख जाए थोड़ा सा बाइक भी, तो ये एंगल रहने वाला है गोप्रो का, ये एंगल रहने वाला है हम लोग को शायद से दिख रहा होगा अभी तो। और अभी माइक नहीं आया है तो अभी वीडियो क्वालिटी भी चेक करेंगे गोप्रो को ऑन करके कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, एंड ऑडियो क्वालिटी के लिए भी माइक मैंने मंगा लिया बहुत तगड़ा वाला, तो वो भी आ रहा है। चलो एक बार टेस्ट करते हैं और आपको क्लिप्स एंजॉय करो गोप्रो की। तो बाय।